सोलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हिमाचल आ रहे हैं। हिमाचल के सोलन जिला में उनका अभिनंदन किया जाएगा, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ता सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में उनके स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान जिला प्रभारी गणेश दत्त ने मीडिया को दी। सोलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हिमाचल आ रहे हैं। हिमाचल के सोलन जिला में उनका अभिनंदन किया जाएगा, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ता सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में उनके स्वागत की तैयारियों में लगे हैं। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान जिला प्रभारी गणेश दत्त ने मीडिया को दी। इस मौके पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर गणेश दत्त ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में विवाह की तैयारियां चली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सोलन आने का निमंत्रण स्वीकार किया, जो दर्शाता है कि उनके लिए संगठन सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि सभी कार्यकर्ताओं का जोश और भी दुगना हो गया है और वे उनके स्वागत में किसी भी तरह की कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इस रैली में 30,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, हिमाचल पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार सहित अन्य सभी बड़े नेता भी शामिल होंगे। अधिक जानकारी देते हुए गणेश दत्त ने बताया कि हिमाचल के लिए ये फक्र की बात है कि यहाँ का नेता आज विश्व की सबसे बड़ी भाजपा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वे 27 तारीख को अध्यक्ष बनने के बाद हिमाचल आ रहे हैं, जिसके चलते शिमला संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह है और सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोलन में जेपी नड्डा का भव्य स्वागत होगा, जो हिमाचल में इतना भव्य होगा कि वे अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया उत्साह है, नया उल्लास है, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को एक राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसका अध्यक्ष बनने का एक गौरव प्राप्त हुआ है, उनका सम्मान और उनके सम्मान में शामिल होने का सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है। तो 27 तारीख को इस ठोडो ग्राउंड में एक बहुत बड़ी सम्मान रैली, एक अभिनंदन रैली इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यक्रम लेकर के उसकी शुरुआत जो है सोलन जिला से शुरू की है और सोलन जिला इसमें अग्रणी एक अपनी भूमिका निभाएगा और जगत प्रकाश नड्डा जी का एक सम्मान का कार्यक्रम यहां पर अभूतपूर्व होगा और सभी चारों ओर से जो हमारे कार्यकर्ता सभी 17 मंडलों से खास करके शिमला पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का एक कार्यक्रम है, इसमें सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आज ही हमारे संगठन महामंत्री पवन राणा जी और उनके साथ पूरी टीम, गुलेरिया जी हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे पूर्व सांसद, हमारे सभी कार्यकर्ता, स्थानीय कार्यकर्ता इस जो सम्मान समारोह है इसको सफल बनाने में रात दिन काम कर रहे हैं और हमारा पूर्ण विश्वास है कि ये अभिनंदन जो रैली है एक प्रकार से अभूतपूर्व होगी और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अभिनंदन रैली का एक नया रिकॉर्ड होगा, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं।